Hello everyone. Our today's discussion is about CSEET. CSEET stands for Company Secretary Executive Entrance Test. आज हम बात करेंगे important information CSEET के बारे में. Eligibility, type of examination, total marks, marks for passing, number of subjects, name of subjects, syllabus, sample questions भी आज हम देखेंगे. शुरू करते हैं. Few queries are there. वो भी clear करते हैं और आगे बढ़ते हैं. My marks are 55% in 12th. Can I still do it? Yes. What matters is regular study and concentration. If it is there, there is no issue about it. 23. Can I still do CS? Yes. Age is no bar. For completion of the CS course, there are three stages of examination. So far as the 12th pass or 12th appearing students are concerned. Now, number one is CSEET. Number two is Executive. Number three is professional. Eligibility की अगर बात करें तो 12th हमने शुरू में ही बात करी. Student passed or appearing in senior secondary class 12 exam. The exam is times in a year January, May, July, November. Now after July, next exam will be in November and we are discussing about November examination. It is a computer-based test of 200 marks. The test is conducted based on MCQs. Multiple choice questions hote, objective type questions hote. There are four papers. Business communication, legal aptitude and logical reasoning, economic and business environment, current affairs and quantitative aptitude. Four subjects हैं, इनके syllabus की हम बात करेंगे. इनमें जो topics covered है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. Passing criteria, 40% mark in each paper, 50% marks in aggregate of all papers put together. एक paper में अगर 40 लिया but चारों पेपर्स मिलके हमको एग्रीगेट चाहिए 50%. निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है. ऑब्जेक्टिव्स, ये सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हम बाद में कवर कर लेंगे. फ्रॉम नवंबर 2023 CSEET सेशन किस तरह से रहेगा. बिजनेस कम्युनिकेशन 50 मार्क्स के लिए. लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग जो है सब्जेक्ट दो पार्ट्स में है. पार्ट ए पार्ट बी. दिस इज पार्ट ए. पार्ट ए क्या है? लीगल एप्टीट्यूड. पार्ट बी लॉजिकल रीजनिंग. पार्ट ए है 30 मार्क्स के लिए, पार्ट बी है 20 के लिए, टोटल 50 मार्क्स के लिए. इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में 25 मार्क्स के लिए है पार्ट ए. यहां भी पार्ट ये है 25 मार्क्स के लिए है ये सब्जेक्ट में. और बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो भी 25 मार्क्स के है. इसमें कौन से टॉपिक्स है वो हम डिस्कस करेंगे. बात अफेयर्स और क्वांट की बात करें तो करंट अफेयर्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. करंट अफेयर्स 30 मार्क्स के लिए है और क्वांट जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्यूए जो है वो है 20 मार्क्स के लिए. तो टोटल हम अगर करेंगे चार पेपर्स की 50, 50, 50 and 50, then our exam is for 200 marks. हमको total marks जो exam है हमारी वो 200 marks की. हमको चाहिए 50% marks in aggregate. ठीक है. अभी हम subject wise बात करेंगे. कौन कौन से subjects की तो हमने देख लिया, four subjects है. और इन subjects में जो important topics है उनकी हम बात करते हैं. बिजनेस कम्युनिकेशन की बात अगर हम करेंगे 50 मार्क्स का जो पेपर है इसमें एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश, इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंस माना जाता है कम्युनिकेशन में. देयरफॉर इंग्लिश ग्रामर है पूरी तरह से वो इसमें रिवाइज हो गया है. जो भी 12 तक पढ़ाई में आया होगा वो यहाँ पर उसकी रिविजन हो गई है ताकि जो बेस है वो मजबूत बन सके. तो कॉमन एरर्स इन इंग्लिश एंड वर्ड्स विद मल्टीपल मीनिंग ये सब इसमें आ गया है. तो मेन जो फर्स्ट
टॉपिक है वो है एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश, जो कम्युनिकेशन के लिए बहुत। दूसरा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करना मीन्स कन्वे करना, तो ये जो मैसेज कन्वे करना है, इंफॉर्मेशन कन्वे करना है, इसका स्किल, इसकी जो स्किल है वो डेवलप करना, इसीलिए इसका जो है मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ गुड कम्युनिकेशन इसमें। एंड देन बिजनेस कम्युनिकेशन इज देयर, बिजनेस में कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है बिजनेस कम्युनिकेशन का, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, प्रोसेस क्या है, ये सब इसमें है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में रिटर्न, ओरल, विजुअल, ऑडियो विजुअल, देन चॉइस ऑफ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स कौन कौन से हैं, ये सब कम्युनिकेशन के टॉपिक्स। इसी तरह से लिसनिंग स्किल्स है, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन और ओवरकम, उसको किस तरह से निकाले जाए बैरियर्स, जो डिफिकल्टीज है, इस पर आधारित हुआ है। बिजनेस लेटर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है बिजनेस कम्युनिकेशन में, बिजनेस रिपोर्ट्स होते हैं, ऑफिस ऑर्डर्स होती है, ऑफिस सर्कुलर्स होते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है इन चीज़ों का कम्युनिकेट करने के लिए एम्प्लॉयज से, एम्प्लॉयज की तरफ से भी मैनेजमेंट को। इसी तरह से कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी, ये इसका फोर्थ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टर्म्स डिफाइंड वेरियस, इसमें जो कॉमनली, जो आम तौर पर जो टर्म्स यूज में आती है वो इसमें दी हुई है। हमारा पहला सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन, 50 मार्क्स के लिए नंबर वन, वन फर्स्ट टॉपिक इज गुड इंग्लिश, एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश, जिसमें ग्रामर है। सेकंड है कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें कम्युनिकेशन के बारे में पूरी जानकारी है स्किल डेवलप करने के हिसाब से। एंड देन बिजनेस लेटर्स है, हाउ टू राइट द बिजनेस लेटर्स, हाउ, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस लेटर्स आर देयर, ईमेल कम्युनिकेशन इज देयर, इस टाइप के जो भी ईमेल रिलेटेड में ईमेल रिलेटेड प्रोसीजर एंड ऑल अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर देयर, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज देयर, दिस इज अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन। अभी हम बात करेंगे लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग की, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ये। लीगल एप्टीट्यूड की जहाँ तक बात हम करते तो 30 मार्क्स के लिए है, और इसमें एंड लॉजिकल रीजनिंग में क्या डिफरेंस है वो भी अभी हम देख लेंगे। लीगल एप्टीट्यूड की जहाँ तक बात आती है तो लीगल रीजनिंग भी उसका पार्ट है। एंड देन लीगल एप्टीट्यूड में सम लॉज आर देयर, फ्यू लॉज आर ऑल्सो देयर, लॉज की जानकारी होनी चाहिए। तो कौन से लॉज है लीगल एप्टीट्यूड में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसके ये टॉपिक्स है, इसमें एलिमेंट्स ऑफ जनरल लॉज, जनरल लॉज में है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से टॉर्ट्स का भी है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ की हम बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट जो भी पार्टीज के साथ होता है वो एनफोर्सेबल होता है, उसमें वो एनफोर्सेबल होगा मतलब उसमें राइट्स एंड ड्यूटीज जो होंगे वो एनफोर्स कर सकते हैं कोर्ट में जाकर, तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसी तरह से लॉ ऑफ टॉर्ट्स एक कॉम्पनसेशन के फॉर्म में, अगर डैमेज हुआ, इंजुरी हुई, लीगल राइट्स का वायोलेशन हुआ तो इसमें टॉर्ट्स में कॉम्पनसेशन का प्रोविजन होता है। एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन, ये इसका थर्ड टॉपिक है, जो कि इंस्टीट्यूट रिलेटेड है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI रिलेटेड इसमें प्रोविजंस दी हुई है, विजन है, मिशन क्या है इंस्टीट्यूट का। इसी तरह से जो कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस में है, एम्प्लॉयमेंट में है, उनका रोल क्या है, ओवरऑल रोल, व्हाट इज देयर रोल, ये एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन का पार्ट। फोर्थ इसका टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ, कंपनी लॉ मीनिंग क्या है, कंपनी का नेचर ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनीज, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, किस तरह से कंपनी फॉर्म होती है, कैपिटल के टाइप्स क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड मीटिंग्स, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब की जानकारी ये फोर्थ टॉपिक में है। देन लीगल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग जैसे हमने कहा था कि ये पार्ट है लीगल एप्टीट्यूड का,
फंडामेंटल टर्म्स है, कुछ लीगल टर्मिनोलॉजी है, तो ये सब इसमें आ जाता है एंड लीगल रीजनिंग भी इसका पार्ट हो जाता है। इसका सेकंड पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग कैलेंडर्स, कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग, क्लॉक्स, कोडिंग, डिकोडिंग, डिराइविंग कंक्लूजन्स, ड्रॉइंग इन्फ्रेंस, नंबर टेस्ट वगैरह वगैरह, ये लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स के लिए। वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, दिस इज सेकंड सब्जेक्ट। ये हो गया दूसरा सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम बात करेंगे थर्ड सब्जेक्ट की। थर्ड सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स हैं और किस ऑब्जेक्टिव के साथ वो बात कर लेंगे। इकोनॉमिक्स की बात हम करें तो 25 मार्क्स का इकोनॉमिक है, बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट कॉम्पिटिशन, हमने ये पढ़ा होगा बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट कॉम्पिटिशन, ये रिवाइज हो जाएगा। नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, इसमें हाउ टू कंप्यूट नेशनल इनकम, की कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, इसके बारे में करेंगे। इंडियन यूनियन बजट टर्मिनोलॉजीज, रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट कंपोनेंट्स, वेरिएबल्स कवर्ड अंडर फिस्कल डेफिसिट, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स, यस पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर देयर, IFCI इज देयर, IDBI इज देयर, देन हियर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किस तरह से होती है, वो ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल इकोसिस्टम इज देयर। दीज आर ऑल्सो included in that, regional rural bank, cooperative banks are there, non-banking financial companies are there, these are the things, Indian economy part of it. इसमें क्या है, agriculture and allied activities है, secondary में manufacturing है, tertiary में services are there, current scenario of agriculture, agricultural and industrial policies, this is all about Indian। ये इकोनॉमिक का पार्ट हो गया 25 मार्क्स का। देन बैलेंस 25 मार्क्स का पार्ट है, ये है एंटरप्राइजेस रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो। सो गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो भी आता है इसमें टू फॉस्टर द इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, जो न्यू स्टार्टअप्स है, जो स्टार्टअप्स है, जो न्यू कंपनीज है, फॉर दैट पर्पस देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, देयर इनिशिएटिव्स, then there is a need for that, bottlenecks in growth, business environment, overview of business environment, business environment बहुत ज़रूरी है, इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है, overview of business environment, features and factors influencing business environment, types of environment, ease of doing business, ये भी एक important development है। की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, नीति आयोग, MCA, SEBI, RBI, IBBI, CCI, NCLT, NCLAT, इन सभी का रोल है। एंड द लास्ट सब्जेक्ट इज करंट अफेयर्स एंड क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट है, ये 50 मार्क्स के लिए है। अभी हम करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में आएगा ऑफ नेशनल, करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल, एशियन, ब्रिक्स, सार्क, G20, बीमस्टेक, देन ऑर्गेनाइजेशन लाइक RBI, NABARD, CCI, IBBI, IMF, OECD, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, करंट डेवलपमेंट इन स्टॉक मार्केट्स, देन ऑल दिस थिंग्स आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। बिजनेस पर्सनैलिटीज, कमिटीज एंड अपॉइंटमेंट्स, करंट पॉलिटिकल सीनारियो, इनिशिएटिव्स, गवर्नेंस एंड एथिक्स, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, बिजनेस एंड इकोनॉमी, इसी का पार्ट है। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का है, इसमें नंबर सिस्टम है, इसका ऑब्जेक्टिव भी यहाँ दिया है, न्यूमेरिकल स्किल इवेल्युएट करना है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल स्किल भी इसमें इवेल्युएट होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का भी इसमें पता चल। तो ये नंबर सिस्टम है एक, और दूसरा है फंडामेंटल अरिथमेटिक, इट इज देयर फॉर 20 मार्क्स। तो इस तरह से ये सिलेबस है, फोर सब्जेक्ट्स है, दिस इज व्हाट द सिलेबस इज देयर फॉर 200 मार्क्स।
सैंपल एमसीक्यू से पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड वाया 52nd अमेंडमेंट। एक कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट। आंसर इज ये, हु इज एम्पावर टू इश्यू रिट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एज पर दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन का ये क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट सी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, दिस इज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है, ओरल और रिटन। एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सब्जेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट कौन सा, एक है या सभी है वो देख लेंगे। लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, फ्री कंसेंट, तीनों है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किन बातों से डील करता है, वो करता है एनफोर्समेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस अराइजिंग फ्रॉम एग्रीमेंट। इसका मतलब ये है कि जो एग्रीमेंट बनता है वो लॉ में एनफोर्स होता है, उसमें ऑब्लिगेशंस, राइट्स और ऑब्लिगेशंस मेंशन होते हैं। तो दैट इज द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद सच थिंग्स। ये बात जो हमने अभी देखी है वो है कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने आज कवर की है। और भी इसमें कुछ डाउट्स है या कुछ भी इश्यूज है या कुछ है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और पूरी कोशिश की जाएगी कि उसका रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।